हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद आर्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं भारती जैन आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह आप सब पेंटिंग करके अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ थम पेंटिंग करने के लिए? मटेरियल्स: पोस्टर कलर, ब्रश, पेस्टल शीट, प्लेट, स्केच पेन, स्क्रैप बुक या आर्ट बुक। थंब पेंटिंग को आप दो तरह से कर सकते हैं। आप थंब का यूज कर सकते हैं और आप फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक पिक्चर लेंगे और उसमें कलर करेंगे। आप अपनी पसंद से कलर कर सकते हैं। हम जब भी किसी फिगर में कलर करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक ही तरह से कलर चलाना है, या तो आप हॉरिजॉन्टल चलाएंगे या वर्टिकल चलाएंगे। और इस तरह से हम अपना कलर कंप्लीट करते हैं। अब हम इसमें बनाएंगे थंबप्रिंट। हम अपने पोस्टर कलर प्लेट में निकालेंगे और अपने थंब को इस तरह से कलर में डिप करेंगे। आपको ज्यादा कलर हाथ में नहीं लगाना है और इस तरह से आप अपना पेंट लगाइए। इसी तरह से आप सेकंड फ्लावर बनाइए। आप प्लेट में जब भी नया कलर लेंगे तो आप सबसे पहले अपने थंब को भी साफ रखिएगा, वरना एक कलर दूसरे पर चढ़ जाएगा। अब आप थंब पर इस तरह से टिप पर कलर लगाइए। और इससे यहाँ पर डिजाइन बनाइए। आप ग्रीन कलर लेकर यहाँ भी डिजाइन बना सकते हैं। और ये बन गया हमारा पॉट। हम इस पिकॉक में कलर करके थंब और फिंगर से पेंट करेंगे। हम इसके लिए सबसे पहले अपने थंब पर कलर लगाएंगे। आप अपनी फिंगर पर भी दूसरा कलर लगा सकते हैं। कलर आप ज्यादा नहीं लगाएं। सबसे पहले आप थंब का प्रिंट बनाइए, उसके बाद आप फिंगर से प्रिंट बनाइए। आप एक और फिंगर पर ब्लू कलर लगा सकते हैं और उसका भी यहां पर प्रिंट बनाइए। इस तरह से आप पिकॉक में प्रिंट करिए।
ये यहाँ पर जो स्पेस बचा हुआ है इस पर हम फिंगर से प्रिंट बनाएंगे। आप अपनी फिंगर पर कलर लगाइए। और फिगर को इस तरह कंप्लीट करिए। आप फिगर को इस तरह कंप्लीट कीजिए और ये बन गया हमारा पिकॉक। अब हम स्क्रैप बुक में अपनी थंब पेंटिंग की फिगर लगाएंगे। ये है हमारा पॉट और ये है ऑक्टोपस। आप भी कुछ इस तरह से अलग बना सकते हैं। अब हम आर्ट बुक देखेंगे। ये है हमारा पिकॉक। यहाँ पर हमने क्लाउड्स भी थंब प्रिंट और फिंगर प्रिंट से बनाए हुए हैं और ये है अर्थ। यहाँ पर फिंगर प्रिंट से और थंब प्रिंट से ये फिगर बनाई हुई है। आप भी कुछ इसी तरह से अलग बना सकते हैं। आप सब इसी तरह थंब पेंटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और क्राफ्ट को एंजॉय करिए। जल्द ही हम आपसे मिलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इसी चैनल पर, जिसका नाम है फन विद आर्ट।